वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ज्ञान। गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक कॉइन के बारे में जिसका नाम है पैप मोबाइल। यार ये कॉइन मार्केट में अभी आया है, इसकी अप्रैल में ये कॉइन आया था और अभी आज ही इसकी लिस्टिंग कॉइन मार्केट कैप पे हुई है, तो आप जाके उसका प्राइस चेकआउट कर सकते हो। गाइस बहुत ही अच्छे मतलब उसने बेनिफिट दिया है लोगों को जिसने भी उसको अप्रैल में लिया होगा। गाइस तो यार अभी मैं आपको बता देता हूँ कि उसको ख़रीदेंगे कैसे और कहाँ से आपको ये पैप मोबाइल कॉइन मिल सकता है। तो ये पैप मोबाइल कॉइन जहाँ तक मुझे लगता है डोज कॉइन्स की वैल्यू के जितना जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कॉइन ले कैसे सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। यहाँ पर जाइए प्ले स्टोर पर जाके ट्रस्ट वॉलेट ये देखिए, तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपको एक एड्रेस है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये एड्रेस कॉपी करना है। एड्रेस कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको एड्रेस ट्रस्ट वॉलेट ऐप में यहां पे डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद पैप मोबाइल आ जाएगा, इसको आप इनेबल कर दीजिए। तो देख सकते हो आप पैप मोबाइल इनेबल हो चुका है मेरे ट्रस्ट वॉलेट में। अभी आपको करना क्या होगा, आपको BNB लेना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट में, और BNB आप ले सकते हैं बिनांस से। अगर आप बिनांस पे जाइए, गाइस जैसे ही आप बिनांस पे आओगे आपको यहाँ से बिनांस लाइट को टर्न ऑफ करना होगा, और अभी आपको P2B ट्रेडिंग पे जाना होगा। P2B ट्रेडिंग पे जाने के बाद आपको BNB सेलेक्ट करना होगा। अभी आप जितनी की वैल्यू की BNB चाहे खरीद सकते हो। गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, खरीदते टाइम ये जो यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, जहाँ 98 लिखा है बिल्कुल टॉप राइट में, तो यार इसको चेक कर लेना, जिसका ये अच्छा हो ट्रेडिंग परसेंटेज उससे ही ट्रेड करना। आपको करना क्या होगा, जाके एंटर करना है जितने का आप BNB लेना चाहो, बाय BNB। उसके बाद यार गाइस आपको अभी बाय BNB का ऑप्शन आते ही इनका जो भी बैंक डिटेल्स होंगी वो मिल जाएगी। आपको बैंक डिटेल्स से पैसे ट्रांसफ़र करना है इनके पास पैसे ट्रांसफ़र करते ही आपका अकाउंट BNB बिनांस में BNB आ जाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ BNB को फिर ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेना है। गाइस यहाँ लाइट को ऑन कर लेना है, तो गाइस BNB को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको मार्केट से वॉलेट्स में आना होगा। वॉलेट में आने के बाद स्पॉट में अगर आपका BNB, यार गाइस मेरे अभी अकाउंट में BNB है नहीं, अगर BNB दिखेगा तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से लेके और विड्रॉल डालना होगा BNB में। गाइस मैं अभी BTT में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट में BNB नहीं है। तो आपको BNB सेलेक्ट करना है जो आपने BNB परचेज किया है। मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ करना क्या होगा। उसके बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद आपको स्मार्ट बिनांस एड्रेस लेना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्मार्ट चैन एड्रेस। स्मार्ट चैन गाइस एक बार ध्यान कर लेना, स्मार्ट चैन यहाँ पे BNB भी दिया गया है और एक BNB स्मार्ट चैन, तो आपको BNB स्मार्ट चैन का एड्रेस लेना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है, तो गाइस देखिए ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद आपको बताना है कि कितना आपको BNB भेजना है, तो मैक्स कर दीजिए और यहाँ से विड्रॉल ऑप्शन डाल दीजिए। विड्रॉल डालने के बाद गाइस आपका जो BNB है, यार गाइस विड्रॉल होने के बाद आपका BNB सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। देखिए गाइस BNB ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आपको करना क्या होगा, DApps में जाना होगा, पैनकेक स्वैप पे क्लिक करना होगा। अभी यार जो एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। इस एड्रेस को कॉपी करना होगा, यहाँ सेलेक्ट करेंसी, सॉरी पहले आपको V1 करना होगा गाइस, इसमें फीस कम है, तो यार ध्यान रखना V1 करे, कंटिन्यू टू V1 एनीवे। अभी आप यहां से पैप मोबाइल यहां पे वो एड्रेस कॉपी कर दीजिए, पैप मोबाइल आ गया गाइस, इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अभी आपको यहां से जाके BNB
तो यार ये आ गया आपका, आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा गाइस। तो यार वॉलेट कनेक्ट के लिए कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, दोबारा आई अंडरस्टैंड, कंटिन्यू टू V1, सेलेक्ट करेंसी BNB। अभी आपको ये यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये देखिए आ गया। अभी जितना आप BNB का ख़रीदना चाहो गाइस खरीद लो। स्लिपेज यार आप रख सकते हो इसमें गाइस, 0.5 से लेके 0.1 तक स्लिपेज रख सकते हो। तो आपको ये करना होगा। इसे करने के बाद आप जितना BNB का यार गाइस खरीदना चाहो उतना खरीद सकते हो। तो यार मेरे पास अभी BNB कम है तो मैं ले नहीं रहा हूँ। तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ स्वैप पे करना होगा, कंफर्म स्वैप करना होगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास इनसफिशिएंट स्मार्ट चेन है। कंफर्म स्वैप करते ही आपका पैप कोइन आप परचेज कर पाओगे और आपके ट्रस्ट वॉलेट में दिखा देगा। और मैंने पहले से ही गाइस बहुत ज़्यादा ख़रीद रखा है, तो मैं अभी इन्वेस्ट रुक के थोड़ा करूँगा जब भी मेरे पास पैसे होंगे। पर आप देख सकते हो गाइस, तो मेरे अकाउंट में पहले से ही पैप मोबाइल के टोकन्स है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एयर ड्रॉप सीरीज 1 जल्दी ही शुरू होने वाले गाइस। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ज्ञान। गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक कॉइन के बारे में जिसका नाम है पैप मोबाइल। यार ये कॉइन मार्केट में अभी आया है, इसकी अप्रैल में ये कॉइन आया था और अभी आज ही इसकी लिस्टिंग कॉइन मार्केट कैप पे हुई है। तो आप जाके उसका प्राइस चेकआउट कर सकते हो गाइस। बहुत ही अच्छे मतलब उसने बेनिफिट दिया है लोगों को जिसने भी उसको अप्रैल में लिया होगा गाइस। तो यार अभी मैं आपको बता देता हूँ कि उसको ख़रीदेंगे कैसे और कहाँ से आपको ये पैप मोबाइल कॉइन मिल सकता है। तो ये पैप मोबाइल कॉइन जहाँ तक मुझे लगता है डोज कॉइन्स की वैल्यू के जितना जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कॉइन ले कैसे सकते हैं, कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। यहाँ पर जाइए प्ले स्टोर पर जाके ट्रस्ट वॉलेट ये देखिए। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपको एक एड्रेस है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये एड्रेस कॉपी करना है। यार एड्रेस कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको एड्रेस ट्रस्ट वॉलेट ऐप में यहाँ पे डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद पैप मोबाइल आ जाएगा, इसको आप इनेबल कर दीजिए। दोस्तों देख सकते हो आप पैप मोबाइल इनेबल हो चुका है मेरे ट्रस्ट वॉलेट में। अभी आपको करना क्या होगा, आपको BNB लेना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट में, और BNB आप ले सकते हैं बिनांस से। तो अगर आप बिनांस पे जाइए, तो गाइस जैसे ही आप बिनांस पे आओगे आपको यहाँ से बिनांस लाइट को टर्न ऑफ करना होगा। और अभी आपको P2B ट्रेडिंग पे जाना होगा। P2P ट्रेडिंग पे जाने के बाद आपको BNB सेलेक्ट करना होगा। अभी आप जितनी की वैल्यू की BNB चाहे खरीद सकते हो गाइस। एक चीज़ का ध्यान रखना, खरीदते टाइम ये जो यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है, जहाँ 98 लिखा है बिल्कुल टॉप राइट में, तो यार इसको चेक कर लेना। जिसका ये अच्छा हो ट्रेडिंग परसेंटेज उससे ही ट्रेड करना। आपको करना क्या होगा, जाके एंटर करना है जितने का आप BNB लेना चाहो, बाय BNB। उसके बाद यार गाइस आपको अभी बाय BNB का ऑप्शन आते ही इनका जो भी बैंक डिटेल्स होंगी वो मिल जाएगी। आपको बैंक डिटेल्स से पैसे ट्रांसफ़र करना है इनके पास पैसे ट्रांसफ़र करते ही आपका अकाउंट BNB बिनांस में BNB आ जाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ BNB को फिर ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेना है। तो गाइस यहाँ लाइट को ऑन कर लेना है। तो गाइस BNB को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको मार्केट से वॉलेट्स में आना होगा। वॉलेट में आने के बाद स्पोर्ट में अगर आपका BNB, यार गाइस मेरे अभी अकाउंट में BNB है नहीं, अगर BNB दिखेगा तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से लेके और विड्रॉल डालना होगा BNB में। गाइस मैं अभी BTT में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट में BNB नहीं है। तो आपको BNB सेलेक्ट करना है जो आपने BNB परचेज़ किया है।
मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ करना क्या होगा। उसके बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद आपको स्मार्ट बिनांस एड्रेस लेना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्मार्ट चैन एड्रेस, स्मार्ट चैन गाइस एक बार ध्यान कर लेना, स्मार्ट चैन यहाँ पे BNB भी दिया गया है और एक BNB स्मार्ट चैन, तो आपको BNB स्मार्ट चैन का एड्रेस लेना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है। तो गाइस देखिए ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद आपको बताना है कि कितना आपको BNB भेजना है, तो मैक्स कर दीजिए और यहाँ से विड्रॉल ऑप्शन डाल दीजिए। विड्रॉल डालने के बाद गाइस आपका जो BNB है यार, गाइस विड्रॉल होने के बाद आपका BNB सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। देखिए तो गाइस BNB ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आपको करना क्या होगा, DApps में जाना होगा, पैनकेक स्वैप पे क्लिक करना होगा। अभी यार जो एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। इस एड्रेस को कॉपी करना होगा, यहाँ सेलेक्ट करेंसी, सॉरी पहले आपको V1 करना होगा गाइस, इसमें फीस कम है तो यार ध्यान रखना V1 करे, कंटिन्यू टू V1 एनीवे। अभी आप यहाँ से पेप मोबाइल, यहाँ पे वो एड्रेस कॉपी कर दीजिए, पेप मोबाइल आ गया गाइस, इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अभी आपको यहाँ से जाके BNB, तो यार ये आ गया आपका, आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा गाइस। तो यार वॉलेट कनेक्ट के लिए कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, दोबारा आई अंडरस्टैंड, कंटिन्यू टू V1, सेलेक्ट करेंसी BNB। अभी आपको ये यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये देखिए आ गया। अभी जितना आप BNB का ख़रीदना चाहो गाइस खरीद लो। स्लिपेज यार आप रख सकते हो इसमें गाइस, 0.5 से लेके 0.1 तक स्लिपेज रख सकते हो, तो आपको ये करना होगा। इसे करने के बाद आप जितना BNB का गैर गाइस खरीदना चाहो उतना खरीद सकते हो। तो यार मेरे पास अभी BNB कम है तो मैं ले नहीं रहा हूँ, तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ स्वैप पे करना होगा, कंफर्म स्वैप करना होगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास इनसफिशिएंट स्मार्ट चैन है। कंफर्म स्वैप करते ही आपका पैप कॉइन आप परचेज कर पाओगे और आपके ट्रस्ट वॉलेट में दिखा देगा। और मैंने पहले से ही गाइस बहुत ज़्यादा खरीद रखा है, तो मैं अभी इन्वेस्ट रुक के थोड़ा करूँगा जब भी मेरे पास पैसे होंगे। पर आप देख सकते हो गाइस, तो मेरे अकाउंट में पहले से ही पैप मोबाइल के टोकन्स है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एयरड्रॉप सीरीज 1 जल्दी ही शुरू होने वाले गाइस। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ज्ञान। गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक कॉइन के बारे में जिसका नाम है पैप मोबाइल। यार ये कॉइन मार्केट में अभी आया है, इसकी अप्रैल में ये कॉइन आया था और अभी आज ही इसकी लिस्टिंग कॉइन मार्केट कैप पे हुई है, तो आप जाके उसका प्राइस चेकआउट कर सकते हो गाइस। बहुत ही अच्छे मतलब उसने बेनिफिट दिया है लोगों को जिसने भी उसको अप्रैल में लिया होगा गाइस। तो यार अभी मैं आपको बता देता हूँ कि उसको ख़रीदेंगे कैसे और कहाँ से आपको ये पैप मोबाइल कॉइन मिल सकता है। तो ये पैप मोबाइल कॉइन जहाँ तक मुझे लगता है डोज कॉइन की वैल्यू के जितना जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कॉइन ले कैसे सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, यहाँ पर जाइए प्ले स्टोर पर जाके ट्रस्ट वॉलेट ये देखिए, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपको एक एड्रेस है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये एड्रेस कॉपी करना है। एड्रेस कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको एड्रेस ट्रस्ट वॉलेट ऐप में यहाँ पे डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद पैप मोबाइल आ जाएगा, इसको आप अनेबल कर दीजिए। दोस्तों देख सकते हो आप पैप मोबाइल इनेबल हो चुका है मेरे ट्रस्ट वॉलेट में। अभी आपको करना क्या होगा, आपको BNB लेना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट में, और BNB आप ले सकते हैं बिनांस से। तो अगर आप बिनांस पे जाइए, तो वही जैसे ही आप बिनांस पे आओगे आपको यहाँ से बिनांस लाइट को टर्न ऑफ करना होगा
और अभी आपको P2P ट्रेडिंग पे जाना होगा। P2P ट्रेडिंग पे जाने के बाद आपको BNB सेलेक्ट करना होगा। अभी आप जितनी की वैल्यू की BNB चाहे खरीद सकते हो गाइस। एक चीज़ का ध्यान रखना, खरीदते टाइम ये जो यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है जहाँ 98 लिखा है बिल्कुल टॉप राइट में, तो यार इसको चेक कर लेना। जिसका ये अच्छा हो ट्रेडिंग परसेंटेज उससे ही ट्रेड करना। आपको करना क्या होगा, जाके एंटर करना है जितने का आप BNB लेना चाहो, बाय BNB। उसके बाद यार गाइस आपको अभी बाय BNB का ऑप्शन आते ही इनका जो भी बैंक डिटेल्स होंगी वो मिल जाएगी आपको। बैंक डिटेल्स से पैसे ट्रांसफ़र करना है इनके पास पैसे ट्रांसफ़र करते ही आपका अकाउंट BNB बिनांस में BNB आ जाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ BNB को फिर ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेना है। तो गाइस यहाँ लाइट को ऑन कर लेना है, तो गाइस BNB को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको मार्केट से वॉलेट्स में आना होगा। वॉलेट में आने के बाद स्पॉट में अगर आपका BNB, यार गाइस मेरे अभी अकाउंट में BNB है नहीं, अगर BNB दिखेगा तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से लेके और विड्रॉल डालना होगा BNB में। गाइस मैं अभी BTT में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट में BNB नहीं है। तो आपको BNB सेलेक्ट करना है जो आपने BNB परचेज़ किया है। मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ करना क्या होगा। उसके बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद आपको स्मार्ट बिनांस एड्रेस लेना है, तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्मार्ट चैन एड्रेस, स्मार्ट चैन गाइस एक बार ध्यान कर लेना, स्मार्ट चैन यहाँ पे BNB भी दिया गया है और एक BNB स्मार्ट चैन, तो आपको BNB स्मार्ट चैन का एड्रेस लेना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है। तो गाइस देखिए ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद आपको बताना है कि कितना आपको BNB भेजना है, तो मैक्स कर दीजिए और यहाँ से विड्रॉल ऑप्शन डाल दीजिए। विड्रॉल डालने के बाद गाइस आपका जो BNB है, यार गाइस विड्रॉल होने के बाद आपका BNB सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। देखिए तो गाइस BNB ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आपको करना क्या होगा, DApps में जाना होगा, पैनकेक स्वैप पे क्लिक करना होगा। अभी यार जो एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। इस एड्रेस को कॉपी करना होगा, यहाँ सेलेक्ट करेंसी, सॉरी पहले आपको V1 करना होगा गाइस, इसमें फीस कम है तो यार ध्यान रखना V1 करे, कंटिन्यू टू V1 एनीवे। अभी आप यहाँ से पेप मोबाइल यहाँ पे वो एड्रेस कॉपी कर दीजिए, पेप मोबाइल आ गया गाइस, इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अभी आपको यहाँ से जाके BNB, तो यार ये आ गया आपका, आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा गाइस। तो यार वॉलेट कनेक्ट के लिए कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, दोबारा आई अंडरस्टैंड, कंटिन्यू टू V1, सेलेक्ट करेंसी BNB। अभी आपको ये यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये देखिए आ गया। अभी जितना आप BNB का ख़रीदना चाहो गाइस खरीद लो। स्लिपेज यार आप रख सकते हो इसमें गाइस, 0.5 से लेके 0.1 तक स्लिपेज रख सकते हो, तो आपको ये करना होगा। इसे करने के बाद आप जितना BNB का गया गाइस खरीदना चाहो उतना खरीद सकते हो। तो यार मेरे पास अभी BNB कम है तो मैं ले नहीं रहा हूँ। तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ स्वैप पे करना होगा, कंफर्म स्वैप करना होगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास इनसफिशिएंट स्मार्ट चैन है। कंफर्म स्वैप करते ही आपका पैप कॉइन आप परचेज़ कर पाओगे और आपके ट्रस्ट वॉलेट में दिखा देगा। और मैंने पहले से ही गाइस बहुत ज़्यादा खरीद रखा है, तो मैं अभी इन्वेस्ट रुक के थोड़ा करूँगा जब भी मेरे पास पैसे होंगे। पर आप देख सकते हो गाइस, तो मेरे अकाउंट में पहले से ही पैप मोबाइल के टोकन्स है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एयर ड्रॉप सीरीज 1 जल्दी ही शुरू होने वाले गाइस। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।